हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्सएल वी बी एक्सपर्ट इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन क्रिएट ए स्मॉल एम आई एस रिपोर्ट ओके एंड वन मोर थिंग यू नो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि इन टूडेज़ वीडियो आई विल भी एक्सप्लेनिंग एवरी थिंग इन हिंदी बिकॉज आई हैव रिसिवड द मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्राम द पीपल दट टू मे द वीडियो इन हिंदी ओके तो आज की जो भी वीडियो होगी सारी चीज़ें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इन माई यू नो द अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो ओके आई विल बी सीइंग एवरी थिंग इन हिंदी सो so, वट uh, क्या करना है अभी हमें अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा एम आई एस एक रिपोर्ट बनाना है यूगा स्क्रीन से ये कि यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डैशबोर्ड बना रखा है डैशबोर्ड नॉट आई वुड से बट हाँ एक रिपोर्ट बना रखा है एम आई एस रिपोर्ट ये क्या कर रहा है कि ब्रांच वाइज मुझे पूरी परफॉर्मेंस दे रहा है इस पर्टिकुलर वेस्ट साइड के ब्रांच में एजेंट वाइज एजेंट हर एक एजेंट ने कौन सा अकाउंट टाइप कितनी बार ओपन करा है आई I मीन mean, ये अकाउंट आई आई का जो अकाउंट है प्रवीण ने टू टाइम्स ओपन करा है इस पर्टिकुलर ब्रांच में ठीक है और ब्रांच साइड में ठीक है और सी के अकाउंट इतने करें हैं सेविंग के अकाउंट इतने ओपन करें अगर मैं इसी को चेंज करूँ सेंट्रल करूँ तो सेंट्रल को जैसे ही करूँगा तो मेरे सारे अकाउंट चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे मेरे अकाउंट चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे मेरा ये विजुअल चेंज हो रहा है ठीक है दैट इज वर्ड हम आज के वीडियो में क्रिएट करेंगे ठीक है बहुत छोटा सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ये छोटे जो रिपोर्ट हैं दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू नो बिल्ड अप यूर कॉन्फिडेंस और Well, you यू यू विल हैवे कॉन्फिडेंस देन यू विल ट्राई टू इंप्ली यू विल ट्राई टू डू समथिंग मोर आप इसमें फिर और भी चीज़ें ऑन करने का कर ट्राई करोगे राइट right? सो so, हम छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करें बट ये जो छोटे छोटे एक आध टेबल के एक आध समरी में जो हम अपने विजुअल इंसर्ट कर देते हैं या इम्प्लीमेंट जैसे मैंने करा है इस पर्टिकुलर समरी पर एक मैंने विजुअल यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है ठीक है तो ऐसे ही हम बड़े बड़े डैशबोर्ड में भी यही सारे काम करेंगे बट छोटे हम से हमने स्टार्ट करा है सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एम आई एस रिपोर्ट बनाते कैसे ठीक है तो रो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है ये रो डेटा है इसमें मुझे एजेंट वाइज ये देखना है कि हर एक एजेंट ने कौन सा अकाउंट कितनी बार ओपन कर रखा है हर एक ब्रांच में बट ब्रांच का मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए जैसे कि मैंने इसके अंदर कंट्रोल पॉइंट बना रखा है ड्रॉप डाउन के राइट जैसे वो कोई भी मैं ब्रांच सेलेक्ट करूँगा मुझे सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्रांच का क्या दिखेगा ब्रांच का आ, वो दिखेगा परफॉर्मेंस दिखेगी राइट तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मैं हाइड कर लेता हूँ एक शीट में और इंसर्ट करता हूँ ठीक है ग्रिड लाइन हटा देते हैं अब ग्रिड लाइन हटाने के बाद लेट्स यू नो मेक दैड इसको देते हैं एम आई एस रिपोर्ट और आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो इसको ओके तो सॉरी इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम तो मैंने इसको ये नाम दिया और कलर कर लिया ठीक है देन इसके बाद ये हेडर हमने दे दिया अब इसके बाद मुझे क्या करना है इसके बाद मुझे यहाँ पे ये लिखना है सॉरी मुझे ये एजेंट्स को सारे कॉपी करने हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसका यूनिक निकाल लेना है तो मैं यूनिक निकाल लूंगा सो so दैट की मेरी यहाँ पे एक छोटा सा समरी बन जाए ओके okay? छोटी सी समरी बन गई और मुझे क्या करना है यहाँ पे अकाउंट टाइप का भी बनाना है तो अकाउंट टाइप को आप कॉपी कर लेंगे इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको रिमूव डुप्लीकेसी कर लेंगे, ठीक है अब इसको हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर देंगे हटा देंगे अब इसको हमने क्या करा यहाँ पे हमने एक टेबुलर वो बना लिया टेबुलर एक डेटा बना लिया कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इसको बॉर्डर कर देंगे ठीक है और इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे अगर इफ यू वांट टू गिव अगर आपको यहाँ पे कुछ और बॉर्डर देना है तो आप कंट्रोल वन करके और अच्छा बॉर्डर आप बना सकते हो यहाँ पे जाओगे आप यही यही कर लेते हैं इसका कलर बट हम थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं और ओके ठीक है तो मैं आउटसाइड बॉर्डर हटा दूंगा लेट्स डू इट इसी को इधर सारी जगह हम ये ये वाला बॉर्डर हम इंसर्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसका कलर ब्लू करेंगे और ओके ओके सो तो हमने ये चीज़ कर दी अब यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना है तो ड्रॉपडाउन के लिए मैं क्या करूँगा एक कॉलम और इंसेट कर देता हूँ इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर मैं सेम कलर दे देता हूँ इसको यहाँ लिख देता हूँ ब्रांच सिलेक्शन ठीक है ब्रांच सिलेक्शन कर दिया हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं साइज को इसको वाइट कर लेते हैं अब सेम हेयर यहाँ पे मुझे क्या करना है कलर दे देते हैं बैकग्राउंड को कुछ भी ये कलर दे देते हैं यहाँ पे एक डेवलपर में जाएंगे कॉम्बो बॉक्स ले लेंगे इंसर्ट में जाएंगे और ये कॉम्बो बॉक्स ले लेंगे कॉम्बो बॉक्स ले लिया हमने और इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया अब इसके अंदर मुझे क्या ड्रॉप डाउन लेके आना है ड्रॉप ड्रॉपडाउन मेरा क्या रहेगा ये ब्रांच रहेगा तो ब्रांच को कॉपी करेंगे ठीक है ब्रांच को कॉपी करने के बाद इसको मैं इसके बगल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता के ठीक है तो इसी पे राइट क्लिक करना है आपको फॉर्मेट कंट्रोल और जो यहाँ पे इनपुट रेंज दे रखा है इनपुट रेंज में आप ये ले लो ठीक है हेडर छोड़ के और सेल लिंक कर दो आप एस वन को और थ्री डी शेडिंग कर दो और ओके कर दो अब इससे हुआ क्या अब इससे क्या हुआ सब वो जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे असाइन हो चुकी है ठीक है जैसे हम कुछ भी करते नॉर्थ कंट्री नॉर्थ कंट्री नॉर्थ कंट्री क्या है नॉर्थ कंट्री हमारा है दूसरे नंबर तो यहाँ पे इंडेक्सिंग देखोगे तो आप टू आ गई करेक्ट जैसे जैसे हम कुछ भी चेंज करेंगे इसके अंदर वेबसाइड करेंगे तो वेस्ट साइड हमारा थर्ड आ रहा है तो थर्ड आ गया अब मुझे क्या करना है अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वेबसाइट लिखा है ये वेबसाइट मेरा एस टू के अंदर सेम टू सेम सेंट पॉपुलेट हो तो कैसे होगा तो यहाँ हम एड्रेस का फंक्शन लगाएंगे रो नंबर हमारा क्या है थ्री ठीक है और कॉलम इंडेक्स क्या है यहाँ हम ये भी नहीं लगाएंगे तो हम सिंपल इंडेक्स लगा देते हैं इंडेक्स और ये रेंज दे देंगे रो नंबर क्या है अपना थ्री जो ऊपर है डायनेमिक एंड कॉलम नंबर वन एंटर वेस्ट साइड ठीक है अब वेस्ट साइड आ गया अब इसके अंदर अगर मैं कुछ सेंट्रल करूँ सेंट्रल नॉर्थ कंट्री नॉर्थ नॉर्थ कंट्री ठीक है सेंट्रल सो आई एम नाउ नाउर टाइम इट डू अब करना क्या है हमें ये करना है कि अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल का मुझे ये पूरा डेटा दिखे सेंट्रल ब्रांच के अंदर इनकी पूरी क्या परफॉर्मेंस थी ठीक है हमें ये काम करना है तो यहाँ पे मैं इक्वल टू काउंटिफ लगाऊंगा ठीक है काउंटिफ लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एजेंट पे पहला लगा दूंगा ठीक है काउंटिफ आना चाहिए आप लोगों को अगर नहीं आता प्लीज डू कॉमेंट आई विल टेल यू ठीक है अकाउंट टाइप सेम और इसके बाद लास्ट लास्ट क्या है हमारा ब्रांच तो ब्रांच हमारा एक कंट्रोल है जो कि ये सेंट्रल इसको हम फ्रीज कर देंगे time, और इसको कर देंगे ड्रैग ठीक है ये हमने कर दिया ड्रैग तो हमारी समरी बन गई अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे नॉर्थ कंट्री तो देखोगे ये सारे अकाउंट अपने आप ही बदलेंगे आप वेस्ट साइड तो वेस्ट साइड आएगा बट तो इसको सेंट्रल कर देते हैं अब इसी को पूरा सेलेक्ट करेंगे इन साइड पर जाएंगे एक कोई भी ये चार्ट ले लेंगे हम ठीक है ये वाला ले, ले लेते हैं इट सीम स्कोड और इस और इसका जो रिस को रिसाइज कर देंगे इतना ओके रिसाइज करने के बाद यहाँ पर हम इसको दे देंगे यू नो यहाँ पर दे देंगे हम अकाउंट ओपनिंग ट्रेंड ट्रेंड एजेंट वाइज एजेंट वाइज हमें क्या कर रहे हैं यहां पे हम हर एक अकाउंट आई मीन ये जितने भी अकाउंट टाइप है हर एजेंट के अगेंस्ट में हम यहाँ पे एक समरी बना के दे रहे हैं उस समरी में हम बता रहे हैं कि हर एक जितने भी अकाउंट टाइप है सी डी चेकिंग सेविंग हर एक एजेंट ने कितने ओपन कराया है इस पर्टिकुलर सेंट्रल ब्रांच में अगर ये जैसे ही चेंज होगा तो मेरा ये विजुअल भी चेंज होगा साथ ही साथ ये देखो राइट तो विजुअल को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं हम लाइन हटा लेते हैं एक्सेस हटा लेते हैं हम यहाँ का और इसको थोड़ा सा और ब्लैक कर देते हैं इसको भी ब्लैक कर देते हैं इसको हम चेंज कर देंगे थोड़ा कलर कलर में एक का ये दे देता हूँ और इसका मैं ग्रीन दे देता हूँ थोड़ा ठीक है नाउ इट इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव ठीक है अगर आप देखोगे तो इसका हम क्या करेंगे लेबल भी दे देंगे काउंट के लिए इसको हम डेटा लेबल दे देंगे दैट्स इट अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप सी डी देखोगे तो प्रवीन सी डी एट और इधर भी आप देखोगे तो परवीन सी डी सी डी में एट ही रहा इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है कि हम टेबुलर में भी दिखा रहे हैं और विजुअल में भी दिखा रहे हैं हम इसको मेल बॉडी पर भी इसको कॉपी बेच करके भेज सकते हैं अगर हम मेल पर कोई रिपोर्ट हम भेज रहे हैं अब जैसे आउटलाइन है तो आउटलाइन दिख रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसको सिलेक्ट करो फॉर्मेट में जाना है और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है ठीक है इट अब इसको आप चेंज करो सेंट्रल सेंटर की पूरी रिपोर्ट दिखेगी इसको थोड़ा और बड़ा कर लो आप ऐसे ठीक है दैट्स इट अब यहाँ पे आप सेंट्रल की जगह आप नॉर्थ कंट्री कर लो नॉर्थ कंट्री का पूरा दिखेगा समरी वेस्ट साइड की पूरी समरी दिखेगी एज पर द सिलेक्शन सेंट्रल कर देते हैं अभी ठीक है सो दिस इज़ समथिंग जो कि हमने बहुत छोटी सी एम आई एस रिपोर्ट बनाई पीपल यूजली गेट कन्फ्यूज़ कि एम आई एस रिपोर्ट क्या होती है एम आई एस रिपोर्ट क्या होती है एम आई एज समथिंग की जो किसी चीज़ को आप समराइज़ करके किसी बड़े रो डेटा को आप विजुअल में विजुअल में यू नो दिखा रहे हो उसको या टेबुलर समरी में दिखा रहे हो पीवी टेबल लगा के उसका कोई कंट्रोल पॉइंट दे रहे हो जैसे जैसे कोई उस पर क्लिक करे या कोई एक्शन करे ठीक है आपकी पूरी समरी अकॉर्डिंगली चेंज हो तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ एम आई एस ठीक है जो हेल्प करता है बिज़नेस को ग्रो करने में ठीक है डिलिबरेट डिसीजन लेने में ठीक है तो दिस इज़ समथिंग वी हैव लर्न इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन यू गाइज कैन कॉमेंट मी आई विल रिप्लाई यू देयर और अपकमिंग वीडियोज़ में हम ऐसे डैशबोर्ड अब थोड़े एडवांस लेवल के देखेंगे अभी तो सारे छोटे मोटे डैशबोर्ड अभी हमने करें अब इसके बाद हम थोड़े बड़े लेवल के भी डैशबोर्ड करना स्टार्ट करेंगे ठीक है आई होप गाइज़ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस ओके लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक बाय बाय टेक केयर गाइज